जय माता दी। पूरी दुनिया में भगवान की पूजा पुरुष रूप में होती है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान की पूजा स्त्री रूप में भी होती है, माँ दुर्गा के रूप में। और नवरात्रि माँ दुर्गा के नौ रूपों को निहारने का एक सुनहरा अवसर हमारे जीवन में लेकर आता है। मनुष्य के अंदर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों प्रकार के गुण होते हैं। नवरात्रि के पहले तीन दिनों में तमोगुणों को साधा जाता है, बाद के तीन दिनों में रजोगुणों को साधा जाता है और आखिर के तीन दिनों में सतोगुणों की आराधना होती है। माँ को हम तीन रूपों में पूजते हैं, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। नवरात्रि के नौ दिनों में हम माता के नौ रूपों से रूबरू होते हैं और उनकी साधना करते हैं, आराधना करते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। जिस प्रकार शिशु माँ के गर्भ में नौ महीने रहकर जन्म लेता है, ठीक उसी प्रकार नवरात्रि काल में नौ दिन की साधना करके मनुष्य एक प्रकार से नया जीवन शुरू कर सकता है, नई उमंग के साथ। नौ दिन तक उमंग, उत्साह, उल्लास को कायम रखने के लिए नौ दिनों को नौ रंगों के साथ जोड़ा गया है और ये सभी रंग किसी न किसी बात का प्रतीक है। आइए हम जानें कि किस दिन के साथ कौन सा रंग जुड़ा है और उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का, और शैलपुत्री के साथ में नारंगी रंग जुड़ा हुआ है हमें हर्षोल्लास और उत्साह से परिपूर्ण करने के लिए। इस रंग को इस दिन के साथ में जोड़ा गया है। और दूसरा दिन होता है माता ब्रह्मचारिणी का। माता ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए सफ़ेद रंग को धारण करने और सफ़ेद सामग्री से पूजा करने का विधान है, जो कि सुख शांति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा को खुश करने का और इस दिन के साथ में लाल रंग जुड़ा हुआ है, जो कि ब्यूटी एंड फियरलेसनेस का, निडरता और खूबसूरती का प्रतीक है। नवरात्रि के चौथे दिन माता के कुष्मांडा रूप की पूजा होती है और रॉयल ब्लू कलर इस दिन के साथ में जुड़ा हुआ है, एंड दिस इज रियली वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, जो कि कार्तिकेय भगवान को अपनी दाई भुजा में धारण किए हैं, उठाए हुए हैं, और इस दिन कार्तिकेय भगवान की पूजा का भी महत्व हो जाता है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व बताया गया है, पीली सामग्री से पूजा करनी चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए, इससे माता प्रसन्न होती है। येलो कलर स्टैंड्स फॉर हैप्पीनेस। छठे दिन माता के सबसे शक्तिशाली रूप कात्यायनी रूप की पूजा होती है। माता को हरा रंग बहुत पसंद है, एंड ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर न्यू बिगनिंग एंड ग्रोथ। काल में सातवां दिन होता है माता कालरात्रि का, जिसके दिन ग्रे कलर का विशेष महत्व बताया गया है और ग्रे कलर के अंदर सामर्थ्य होती है सब कुछ पूर्ण रूप से बदल डालने की। आठवां दिन होता है माता महागौरी का, इसे दुर्गाष्टमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन पर्पल कलर का विशेष महत्व है, जो कि हमें सद्बुद्धि और शांति देता है, पावर ऑफ इंटेलेक्ट एंड पीस। नवा दिन होता है माता सिद्धिदात्री, जो कि हमें अलौकिक शक्ति देती हैं और हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। इस दिन पिकॉक ग्रीन कलर का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि काल में माँ से आशीर्वाद पाने के लिए माँ के साथ जुड़े। जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।